साथियों, हमारे लिए देश का हित सबसे बड़ा है। देश के लिए किए गए संकल्प सबसे बड़े हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। देश के सामने जो दशकों पुरानी चुनौतियां थी उसे सुलझा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। यहां दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी समस्या थी, अवैध कॉलोनियों की। आजादी के बाद से ही किसी न किसी रूप से ये मामला लटका हुआ था। वोट के लिए वादे किए जाते थे, तारीख दी जाती थी, लेकिन समस्या को सुलझाता कोई नहीं था। दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों, जिसमें बड़ी संख्या में यहां पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता से हमारी सरकार ने मुक्त किया है। जिन लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अपने जीवन में कभी अपने घर की रजिस्ट्री करा सकेंगे, अब वो अपने घर का सपना सच होते हुए देख रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों से भाजपा का वादा था, उस वादे को हमने निभाया, हमने उसे पूरा करके दिखाया। तमाम रोड़ों के बावजूद, रुकावटें डालने वालों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इन सब के बावजूद संसद से सीधे कानून बनाकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली को ये अधिकार दे दिया है। अब आपको सरकारी बुलडोजर की चिंता से भी मुक्ति मिल चुकी है और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी मिला है। भाइयों और बहनों, 11 फरवरी के बाद जब दिल्ली में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी, तो इन सभी कॉलोनियों में विकास के काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बीजेपी ने यह भी संकल्प लिया है, अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में कहा है कि इन कॉलोनियों को तेज विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस निर्णय के लिए। यही नहीं, जहां झुग्गी वहां पक्का घर भी बनेगा। झुग्गी में रहने वाले परिवारों को पक्का घर देने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। ऐसा घर जिसमें टॉयलेट होगा, बिजली होगी, गैस कनेक्शन होगा, नल होगा और नल में जल होगा और जल भी शुद्ध होगा।
साथियों, ये 2022 तक 2022 तक हमने सपना देखा है, हर गरीब बेघर को अपना पक्का घर देने के संकल्प का हमारा जो फैसला है उसी का ये हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की यही भावना है। इस योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 2 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। लगभग 2 करोड़ नए घर हमारी सरकार और बनाने जा रही है। भाइयों बहनों, दुनिया के लोग जब 2 करोड़ घर शब्द सुनते हैं ना तो चौंक जाते हैं। उनके देश की टोटल जनसंख्या से ज्यादा घर हमने बना दिए हैं। लेकिन मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों, मैं आज मेरा दर्द आपको भी बताना चाहता हूं। इतना सारा काम देश में हुआ, गरीबों को रहने के लिए घर मिले, लेकिन यहां जो सरकार है वो गरीब बेघरों को घर नहीं देना चाहती। मुझे दुख होता है जब देखता हूं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं हो पा रही है। सोचिए, 5 साल में 2 करोड़ घर केंद्र सरकार ने देश भर में बनवाए और इसमें एक भी घर यहां दिल्ली में नहीं बन पाया, इस बैठी हुई सरकार की वजह से नहीं बन पाया। आप मुझे बताइए, गरीब को अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को रहने के लिए छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या गरीब की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या मोदी अगर ये काम करता है तो उस पर राजनीति करनी चाहिए क्या? यहां पर रुकावटें डालनी चाहिए क्या? भाइयों बहनों, हर बेघर अपना घर चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छे घर में छोड़ करके वो अपना जीवन पूर्ण करे। साथियों, जब तक, और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जब तक ये लोग बैठे रहेंगे तब तक दिल्ली में लोगों की भलाई के काम वे रोकते ही रहेंगे, रुकावट डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि वो सिवाय राजनीति कुछ जानते ही नहीं है।